हेलो गाइज, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है, न्यू मॉडल है बिल्कुल। इसका हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे और सर्विसिंग भी करना है। सर्विसिंग दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि इंजन ऑयल चेंज कर देना और एयर फिल्टर चेंज टाइट कर देना, ये सर्विसिंग हुआ। और एक सर्विसिंग होता है कि दोनों चक्का खोल के हमें ब्रेक शू को साफ़ करना, रेस कागज मारना, ब्रेक माल। और एक सर्विसिंग होता है कि हमें चक्का हैंडल ये सब ग्रीसिंग करना होता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसका भी चक्का खोल के हम रेस कागज मार रहे हैं और इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे। इसका चैन बहुत ज़्यादा लूज था, तो खास करके ज़रूरी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो चैन कवर होता है दोस्तों, ये फाइबर वाला होता है। जब चैन लूज होता है तो चालक को पता नहीं चलता ज़्यादा कि हमारा चैन लूज है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लूज होने के बाद इसका क्या होता है कि चैन स्पॉकेट जल्दी ख़राब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लूज था, यहाँ पर इतना लूज था, नीचे आ रहा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा आवाज़ नहीं था इसके अंदर। और पहले वाला जो चदरा वाला जो आता था उसमें आवाज़ करता था, लेकिन अभी जो फाइबर वाला आता है इसमें आवाज़ नहीं करता है। तो ध्यान देना चाहिए कस्टमर भाई को कि हमें महीने 15 दिन तक में हमें बार बार चैन टाइट करवाना चाहिए 15 दिन तक में। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा बाइक चली भी नहीं है और इसका पीछे का जो स्पॉकेट है ये अब कमज़ोर हो गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी चलेगा। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका जो इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो बाइक को पहले इंजन को स्टार्ट करके गर्म करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि गर्म होने के बाद ऑयल पतला होता है, और पतला होने के बाद वो जल्दी से नीचे गिर जाता है, और गाढ़ा रहने पे वो सारे ऑयल सही से निकलता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑयल कैसे निकालें, किस तरीके से निकालना चाहिए। कोई कोई भाई तो सिर्फ नट खोलते हैं, सिर्फ सीधा निकाल देते हैं, तो उस तरह का निकालने का नियम नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ नीचे से हमें 17 नंबर का बोल्ट खोलना होता है और नीचे हम लगाएंगे कोई ऑयल निकालने के लिए। इसका इंजन ऑयल खोलने से पहले हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। अभी इंजन ठंडा है, इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे जो ऑयल पिघल जाए, पतला हो जाए, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। दोस्तों मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि इसका इंजन गर्म हो चुका है, अब इसका इंजन ऑयल निकालेंगे नीचे से। और एक बात और भी हमें ध्यान देना है, यहाँ से पहले इसका ऑयल लीकेज हो रहा था, ऊपर से हेड से कहीं से ऑयल लीकेज हो रहा है, तो हमें इसे भी देखना होगा खोल के। तो इसके लिए हमें टैंकी खोलना होता है, और ये जो टूल बॉक्स है हमें इसे भी खोलना होगा। इस टूल बॉक्स को खोलना होगा, टैंकी खोलना होगा, फिर यहाँ से देखेंगे कहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, तो उसे खोल के हम उसमें सोल्यूशन डालेंगे या 3 बॉन्ड। पहले हम इसका इंजन ऑयल निकाल लेते हैं। ना पूरा खराब ना हो जाए।
जब तक हम टंकी और टूल बॉक्स खोल लेते हैं। देखिए इस टूल बॉक्स को खोलने के लिए यहाँ पे एक ये कवर होता है, हम इसे निकाल के अंदर में एक स्क्रू होता है, हम उसे खोलेंगे, ये फिर बाहर निकल जाएगी। ये तो बाहर का कवर था, वो अंदर वाला हम खोलेंगे। ये दो स्क्रू नट है यहाँ पर, अब इसे खोलना है। दोस्तों इसके अंदर ये तीन स्क्रू है, एक नीचे होता है यहाँ पे, इसे भी खोलना होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमें टंकी खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना खोले इसको यहाँ से टाइपिट कवर खोल सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका ऑयल का जो रिंग होता है, ये रिंग कटा हुआ है, ऑयल रिंग रबड़, तो यहाँ से भी ऑयल लीकेज हो रहा है इसका। हमारे पास इस तरह का तो रिंग है नहीं हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ इसके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे बंद करने का। तो हम इसमें कौन सा रिंग लगाएंगे दोस्तों, हमारे पास ये इस साइज़ का तो है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वो वाला लगा दूँ जो हीरो होंडा का जो कॉइल प्लेट में जो लगता है रबड़, हम उसी रबड़ को काट के हम लगाएंगे और फेविक्विक से चिपका के हम इसमें सेटिंग करेंगे। तो इस रबड़ को हमें चेंज करना होगा। अब इसका ऊपर का टैपिट कवर खोलेंगे और इसका टैपिट भी चेक करेंगे कि टैपिट अगर लूज है तो उसे हम टाइट करेंगे। और इसका टाइमिंग को कैसे मिलाना है किक से, हमें ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं है, किक से हम टाइमिंग मिला के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने टैपिट का दोनों कवर खोल दिया, आपको मैं अब बता रहा हूँ कि इसका टाइमिंग कैसे मिलाना है किक से। किक से हम टाइमिंग टॉप पे लाएंगे, पिस्टन को टॉप पे लाने के लिए हमें प्लग को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें मैग्नेट कवर खोलने की ज़रूरत है। इस किक के ज़रिए से हम पिस्टन को टॉप पे लाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको एक बार ऐसे फ्री फ्री दबाना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब अब टाइट लगने लगा, अब धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, और जहाँ पे आके रुक जाए हमें वहाँ छोड़ देना है। देखिए ये हो गया, ये पिस्टन टॉप पे आ गया। देखिए दोस्तों मैंने कहा आपसे कि पिस्टन टॉप पे आ गया, तो यहाँ पे जो इस पॉकेट में जो बिंदा सा निशान होता है ये ऊपर है, हालांकि ये पूरा बिल्कुल टाइमिंग सेटिंग नहीं होता है, पूरा सेटिंग नहीं होता है, लेकिन हम जो टाइमिंग मिलाएंगे यहाँ मिला सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि इस बिंदे को हमें सीधा लाना है या इस पॉकेट को सीधा करना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। अब हम टैबिट को चेक करेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाला जो टैपिट है ये लूज है, ये वाला लूज है, हमें ऊपर का टाइट करना होगा और नीचे का ठीक है, नीचे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों इस कवर को तो हमने लगा दिया है कैबिन कवर को, अब हमें लगाना है इस पॉकेट वाले कैबिन चेन वाले कवर को। अब इसमें हमें ऑयल रिंग कौन सा डालना है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डालना है। ये रबड़ है हमारे पास मैग्नेट कवर का जो वॉल प्लेट का कवर होता है हीरो होंडा में, उसी कवर का ये रबड़ है। इसे हमें कटिंग करके हम इसको इसके बराबर का हमें कटिंग करना है और फेविकुल से हमें इसे चिपका देना है। और ध्यान दें दोस्तों कटिंग करना हमें ब्लेड से जो बिल्कुल बराबर हो, ये बराबर कटना चाहिए। ये हमने इसके बराबर का कटिंग कर दिया करके हमने इसको चिपका दिया है और अब हमें इसमें लगाना है। और ये हमें ऊपर की ओर रखना है, ध्यान रहे इसे हमें ऊपर रखना है इस तरीके से। ये कवर ऐसा रहेगा, मैंने ऊपर की ओर रखा कटिंग पहले जो वाले हिस्से को। अब हमें इसमें रेसी बॉन्ड सिलेशन में डालना है, ये रबड़ वाला है, ध्यान रहे कि जब टूटता है तो ये रबड़ बन जाता है, ये वही वाला रबड़ सिलेशन है। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ढक्कन को लगाने के लिए हमें किसी चोट नहीं मारना चाहिए, हल्का हाथों से ही हमें दबाना चाहिए दोनों तरफ से। देखिए ये रबड़ बैठ गया, तो देखा आपने कि मैंने कैसे इस रबड़ को सेटिंग किया। अब इधर काम करते करते मैंने इंजन ऑयल भी चलाना भूल गया। अब बता रहा जा रहा हूँ कि इंजन ऑयल आपको कैसे चलाना है, जो सारे ऑयल नीचे गिरेंगे बिल्कुल आराम से। तो हमें इसे राइट साइड में ऐसे टेढ़ा करना है और इस तरीके से टेढ़ा करने के बाद हमारा इसमें कम से कम 100 ml या 50 ml तक निकल जाता है। हमें झुका के निकालना चाहिए हर बाइक की। फिर इसे सीधा करना है, फिर इसको 15 सेकंड या 30 सेकंड तक आप ऐसे रखिए, उसके बाद फिर आप इसको टेढ़ा कीजिए। 2-3 बार इस तरीके से करना चाहिए जो इसका इंजन ऑयल फिर सारा निकल जाता है।
हमने इधर ध्यान नहीं दिया, हमें उसी टाइम झुकाना चाहिए जो उस टाइम गर्म था। सर कोई बात नहीं, ये मुझसे मिस्टेक हुआ, लेकिन आप मिस्टेक ना करें मेरे भाई। हम इसका इंजन ऑयल सारा हमने चुला दिया इसका, फिर नट लगा के फिर हम नया ऑयल डालेंगे। इसमें 1000 ml का लगता है ऑयल। दोस्तों ऐसे भी मैंने इसका जो 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 काम था वो मैंने सारे चीज़ कंप्लीट कर दिया है। हमें चक्का को साफ़ करना था, थ्रेस मारना था, वो कर दिया मैंने, चैन टाइट कर दिया, ऑयल डाल दिया, इंजन का भी ऑयल डाल दिया, टैपिट टाइट कर दिया। इसका जो ऑयल लीकेज हो रहा था टाइमिंग चेन वाले कवर से, मैंने वो भी जुगाड़ जो करना था हमने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।